जगत गुरु राम भद्राचार्य जी की सतना में आयोजित भागवत कथा में एक बहुत ही मनमोहक और भावुक कर देने वाला पल आया, जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने अपने बचपन के मित्र की बेटी प्रीति को कथा के बीच अचानक से याद किया और वहीं पंडाल में उपस्थित प्रीति को मंच में आने को कहा। जगत गुरु ने बताया कि इस कथा में मेरे बड़े पुराने मित्र और मेरी ही जन्म जनपद के मेरे जन्मभूमि से केवल आधा किलोमीटर पश्चिम के निवासी ओम प्रकाश उपाध्याय की बेटी प्रीति आई हुई है, जिसे मैंने गोद में खिलाया है, जिसका नाम प्रीति है। यदि प्रीति कहीं हो इस पंडाल के आसपास तो उसे जल्द से जल्द मेरे पास बुलाया जाए। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, पंडाल में बैठी हजारों श्रोताओं ने तालियों के साथ प्रीति का स्वागत किया और मंच में प्रीति के पहुंचते ही जगत गुरु भावुक हो उठे और प्रीति को स्नेह देते हुए उनका और उनके पिता का हाल चाल जाना और मंच से जाते समय प्रीति को मुट्ठी में कुछ पैसे देते हुए हंसने लगे। जगत गुरु का बेटी के प्रति ऐसा सम्मान और प्यार देख सभी श्रोता भावुक हो गए। एक इस कथा में मेरे बड़े पुराने मित्र और मेरी ही जन्म जनपद की मेरी जन्मभूमि से केवल आधा किलोमीटर पश्चिम के निवासी ओम प्रकाश उपाध्याय की एक बेटी आई है जिसको मैंने गोद में खिलाया है, इसका उसका नाम है प्रीति। यदि कहीं हो यहाँ आयुष्मान जी के पास उसे जल्दी से आ जाना चाहिए मेरे पास। यदि कहीं हो जल्दी आ जाओ प्रीति। और अब